सामने आ रही है, जहां ग्वालियर चंबल दौरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भिंड जाएंगे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया, बता दें मेहगांव में कृषि उपज मंडी परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें खुद सिंधिया शिरकत करने वाले हैं। बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे, अधिकारियों के साथ भी बैठक की जाएगी और चुनाव में जीत को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। तो ग्वालियर चंबल के दौरे पर आज सिंधिया हैं, बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में जीत का मंत्र दिया जाएगा और साथ ही आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी। लेकिन खासतौर पर बाती कार्यकर्ताओं को भी आज सिंधिया संबोधित करने वाले हैं। तो बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें वो संबोधन भी करेंगे। यानी साफ तौर पर आज कई बड़े कार्यक्रम है सिंधिया के और बड़ी बैठक का भी आयोजन आज किया गया है। भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, ग्वालियर चंबल के आज दौरे पर हैं सिंधिया, क्या कुछ कार्यक्रम है और बड़ी बैठक का आयोजन भी किया गया है? बिल्कुल अलीशा, बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से रणनीति ये बनाई गई है कि जो जो अलग अलग इलाकों के बड़े नेता हैं, छत्रप हैं, उन नेताओं को उन इलाकों की जिम्मेदारी दी जाए। इसके अलावा बात की जाए तो तमाम केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग विधानसभा भेजा जा रहा है, जहां पर कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर रहे हैं। इसके साथ साथ जीत की टिप्स दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं में बूस्टअप करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस चुनावी मैदान में कूदते हुए नजर आ रहे हैं अलीशा। और ग्वालियर चंबल वो इलाका जहां पर ये कहा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव है, वो उनका गढ़ कहा जाता है। जब वो कांग्रेस में भी हुआ करते थे तो उनको ग्वालियर चंबल की ही जिम्मेदारी मिलती थी, और पिछली बार हमने कांग्रेस में रहते हुए उनके वहां के परिणाम भी देखे थे। सूपड़ा साफ कर दिया था बीजेपी का, और उसके बाद जब वो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे तो सबसे बड़ा दल बदल भी ग्वालियर चंबल में ही देखने को मिला था। आज के कार्यक्रम की ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए तो आज भिंड के महगांव में बड़ा कार्यक्रम होना है, मंडी के प्रांगण में, और यहां पर कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और जानकारी अलीशा यहां तक निकलकर सामने आ रही कि कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित करने के बाद वो एक अलग मीटिंग भी कर सकते हैं, जो मुख्य पदाधिकारी हैं भिंड जिले की। भिंड जिले की में इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त कांग्रेस के पास दो सीटें हैं, दो सीटें बीजेपी के पास है, इसके अलावा एक सीट बसपा के पास है। बसपा के जो जीते थे कुशवा, वो भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो बीजेपी की कोशिश यही है कि जितनी सीटें हैं उसको तो बचाए रखें, इसके साथ साथ जो सीटें कांग्रेस के पास है उसको भी हासिल किया जाए। और इसी की रणनीति के तहत अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर चंबल के अलग अलग जिलों में हम देखेंगे, अलग अलग विधानसभा में पहुंचेंगे, और जहां पर वो जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को देते हुए नजर आएंगे। कितने कामयाब होंगे ये चुनाव का परिणाम अलीशा बताएगा, लेकिन आज का दौरा काफी महत्वपूर्ण है।